हे गाइस वेलकम बैक। तो आज हम करने वाले हैं सबसे पहले हमारे छोटे वाले मोलिस को अलग, क्योंकि यहाँ पे इनकी हो रही है डेथ और यहाँ पे आप साथ में धूप देख सकते हो, काफी ज्यादा गर्मी लग रही है आज। तो चले जल्दी से इनको पहले अलग कर लेते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ फ्राइज यहाँ पे मर चुके हैं, जो कि बर्थ के बाद कुछ फ्राइज की डेथ होती है। तो बाकी बिल्कुल एक्टिव है, तो इनको निकालते हैं जल्दी से हमारे बड़े वाले DIY फिश पॉन्ड के अंदर। एंड यहाँ पे सिर्फ मैंने हाइडिंग प्लेस के नाम पे इन्हें सिर्फ एक काफी बड़ा सा स्टोन दिया है, क्योंकि मैं वाटर प्लांट्स ऐड करूंगा जब इसको क्लीन करने का टाइम आएगा, तो सारे बेबीज को मैं पानी के साथ ही बाहर निकाल दूंगा। तो जब ये बड़े हो जाएंगे देन इनके लिए हम यहाँ पे प्लांट्स ऐड करेंगे। तो चलते हैं, अब जो मेडिसिन लानी है इनके लिए वो लेके आते हैं जल्दी से। तो भाई बाकी हमने सामान रखा हुआ है इस छोटे से टैंक के नीचे, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो इनका मंथ का सामान आता है वो आ चुका है हमारे फिश का। तो पहले मैं इनको कर रहा था ये वाला फीड, बट उससे पहले मैं इनको हिकारी का ही खिलाता था, ये सिकलेट स्टेपल जो है। तो ये काफ़ी बढ़िया फूड है, और ये आ चुका है भाई हमारे दूसरे सभी फिश के लिए 1 kg वाला पैकेट। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है देख सकते हो। तो ये सिर्फ एक मंथ का राशन इनका हमारे फिशेस का, तो एक मंथ में इसको काफ़ी इजीली ख़त्म कर लेंगे। तो चलें अब यहाँ से निकाल लेते हैं अपने काम की चीज़। तो ये आ चुका है भाई नमक एंड साथ में 2 मेडिसिन। तो बाहर आपको बताता हूँ कि मैं कौन सी मेडिसिन ऐड कर रहा हूँ। और यहाँ पे बाकी आप हमारे सभी फिश देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा सुंदर एंड ठीक है सब। ओ भाई हमारा लीची गोल्ड मर चुका है यार, भाई ये दोनों मर चुके हैं यार, इनको पता नहीं क्या हो रहा है। तो चलिए जो हम पहले काम कर रहे थे उसको करके आते हैं, देन इसको निकालते हैं बाहर आके फिर। तो चलिए यहाँ पे जल्दी से करते हैं इनको शिफ्ट, मैंने वोटर को कर दिया है यहाँ पे ऐड। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमने प्रोसेस करना है स्टार्ट, सबसे पहले वो करेंगे हम यहाँ पे एक्वेरियम सोल्ट के साथ। तो ये रहा भाई एक्वेरियम सोल्ट, और इसके लिए मैं इतना सा डाल रहा हूँ, आप देख सकते हो 20 लीटर पानी के लिए सिर्फ इतना सा सोल्ट, काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पे आ चुकी है हमारी मैथिलीन ब्लू, तो इसकी यहाँ पे करते हैं कुछ ड्रॉप्स ऐड, क्योंकि मैं बेबीज़ को यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, अगर कोई भी इनको बीमारी लगी तो सारे के सारे ही मर जाएंगे। और तीसरी चीज़ आ गई हमारी एंटी क्लोरीन, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप डायरेक्ट टैप वाटर यूज़ कर रहे हो। तो चलें अब इसको छोड़ते हैं थोड़ी देर यहाँ पे, इसको अच्छे से डिसॉल्व कर देते हैं पानी में मेडिसिन को, नहीं तो मेडिसिन ऐसे ही घूमती रहेगी काफ़ी ज़्यादा। ठीक है ये मेडिसिन, तो चलते हैं अब अंदर अपने गोल्ड फिश को भी निकालते हैं एंड देन बाकी आके देते हैं इसका अपडेट आपको। तो चले यार अपने छोटे से दोस्त को बाहर निकाल लेते हैं। तो यार ये दोनों ही मर गए यार, पता नहीं क्या रीज़न रहा इनका। वैसे गर्मियों में मैंने हीटर इनका निकाल दिया है, तो उसका तो फ़र्क नहीं हो सकता, क्योंकि गोल्ड फिश वैसे सर्वाइव कर लेते हैं इतने ठंडे पानी में भी। फिर भी मैंने हीटर अभी निकाला इनका, फिर भी हमारी देख सकते हो यार हमारा लीची गोल्ड मर चुकी है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। और इसकी टेल निपिंग हुई है शायद से, यार देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे, बट हमारे दूसरे गोल्ड फिश की किसी की भी टेल जो है इस तरह नहीं खाई गई है, तो शायद हो सकता है कि मरने के बाद हुआ ऐसा सब कुछ। तो यार अब कर क्या सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा सुंदर फिश थे वैसे ये देख सकते हो आप। तो चले अब इसको दफना देते हैं एंड बाकी का हमारा जो काम है उसको कर लेते हैं। तो यार ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद था फिश, तो चले अब इसको यहाँ पे कर देते हैं भाई अलविदा, टाटा बाय बाय। यार मतलब अब एक फिश की डेथ हो जाना काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है यार, ये तो थी भी इतनी ज़्यादा सुंदर देख सकते हैं आप। चले यार इसको दबा देते हैं यहाँ पे, थोड़ी सी मिट्टी और डाल देते हैं ताकि इसको कोई चींटियाँ वगैरह ना लग जाए यहाँ पे। एंड बाकी हमने यहाँ पे हमारे DIY फिश पॉन्ड को कर दिया बिल्कुल रेडी, तो अब निकालते हैं बेबीज़ को एंड करते हैं यहाँ पे जल्दी से शिफ्ट। तो ये वाटर प्लांट्स भी मैं वहाँ पे ऐड कर दूंगा, क्योंकि ये वाटर को क्लीन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, ये काफ़ी जल्दी फैलता भी है। तो यहाँ से निकाल के हम थोड़ा सा पॉन्ड के अंदर भी डाल देंगे। तो चलें अब निकालते हैं जो जिंदा बेबी से उनको, और हमारे इस मछली पकड़ने वाले ट्रैप की हालत भी आप देख सकते हो भाई, काफ़ी ज़्यादा ये ख़राब हो चुकी है इसकी हालत भी। तो ये भी मैं नए लेकर आऊँगा, ये काफ़ी ज़्यादा पुराना है। तो चलिए जल्दी से इनको पकड़ लेते हैं एंड देन आपसे मिलते हैं फिर थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ से लगभग मैंने सभी जिंदा बेबीज़ को निकाल लिया, बट एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि कोई यहाँ पे बेबी जो है वो अलाइव तो नहीं रह गया, क्योंकि नहीं तो हम ऐसे ही फेंक देंगे किसी बेबी को। तो ये देख सकते हो भाई ये ठीक लग रहा है बिल्कुल, तो इसको निकाल लेता हूँ मैं बाहर। जा भाई तू अपनी ज़िंदगी जी ले, अब इतना बड़ा पॉन्ड इनके लिए मिल चुका है जो कि काफ़ी ज़्यादा है, एंड अभी और भी ज़्यादा बेबीज़ आने वाले हैं, तो हम उनको इन्हीं के साथ रखेंगे ताकि ये एक ग्रुप में मतलब स्टार्टिंग से ही एक साथ रहेंगे, तो इनको एक साथ रहने की आदत पड़ जाएगी। तो बाकी यहाँ पे मैंने कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ ऐड इसीलिए नहीं की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं वाटर क्लीन करूँगा, तो हो सकता है कि बेबीज भी वाटर के साथ बाहर निकल जाएं। तो इतना सही मैं अभी वाटर रखूँगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा कम वाटर था,
और यहाँ पे आप देख सकते हो भाई अभी आपको कोई भी जो है मरा हुआ बच्चा नहीं मिल रहा है। तो अच्छी बात है, जो बिल्कुल ठीक थे हमारे हमने उनको कर दिया अलग, वो भी मेडिसिन के साथ, तो अब ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम इनको आई भी हो तो। और बाकी मैं इनको करने वाला हूँ आज एग योक की फीडिंग, वो भी शाम के टाइम, अभी नहीं करवाऊँगा मैं इनको क्योंकि अभी मैंने इनका वाटर चेंज किया है, तो शाम के टाइम तक इनकी फीडिंग करवा दूंगा मैं, तो वो भी आपको मैं शॉर्ट वीडियो में दिखा दूंगा कि कैसे ये एग योक को खाते हैं। तो बाकी अगर आप इनका डेली अपडेट लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ। एंड चलिए फिर यहीं पे करते हैं हमारे छोटे से वीडियो को एंड, कैसी लगी हमारी वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर से बताएं। मिलते हैं फिर आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, टिल देन गुड बाय।